अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है, तो मान लेते हैं माना कि y बराबर cos इनवर्स x, आपका सवाल है cos इनवर्स x है तो इसको d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर को केवल y के पदों में क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर x नहीं रहना चाहिए, समझ गए। तो माना कि y बराबर cos इनवर्स x है, मान लेते हैं सवाल, आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद यानी इसको करेंगे, देखिए आपको थोड़ा सा देखिए आगे बढ़िए तो क्या दिया हुआ है, y बराबर cos इनवर्स x, सही है। अब देखिए इसी को cos इनवर्स x बराबर y तो लिख सकते हैं, कहा नहीं लिखेंगे, अरे कुछ नहीं किए हैं, cos इनवर्स x ये इधर आ गया और y उस साइड चल गया। अब यहाँ से यदि आप x का वैल्यू निकालिएगा, जैसे ही इनवर्स हो जाएगा वो सिंपल में cos क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, ये जो इस तरह जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा ना, तो cos y हो गया। यहाँ तक बताइए क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बात को। अब क्या करना है, x बराबर cos y आ गया, अब थोड़ा सा इसको हल करना है, तो लिखेंगे 9 y बराबर आपको है cos इनवर्स x है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, इसको देखिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, तो आराम से लिखिए डी वाई बाय डी एक्स होगा ना, डी बाय डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। अरे कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा क्या, माइनस में वन बाय क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका मतलब है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस का एक्स का स्क्वायर होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए आपको। अब देखिए आपको लास्ट में जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया है, माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड With respect to x, x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो d by dx हो जाएगा, d by dx का डिफरेंशिएशन, अब देखिए ये जो है d by dx होगा 1 by root under 1 minus x का स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए u by v के रूप में, किस रूप में है, u by v के रूप में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है v into, देखिए माइनस तो रहेगा ही, v into u का डिफरेंशिएशन, v into किसका, u का डिफरेंशिएशन माइनस में, फिर u into क्या हो जाएगा, देखिए v into u का डिफरेंशिएशन माइनस u into v का डिफरेंशिएशन करना है। अब बढ़ता में क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म देखते हैं वन का जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो होता, तो ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा। अब देखिए जीरो हो जाएगा ना, यहाँ से लेना है तो वन गुना, अब रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सबसे पहले रूट का करेंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाय टू रूट एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रूट के अंदर भी करना है, वन का तो जीरो आ जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस में क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बताइए, वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा। अब देखिए इससे आगे देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर, अब जरा देखिए ये माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ दो भी है यहाँ भी दो है, खत्म हो जाएगा ना,
इसका मतलब क्या है, ऊपर में बचा आपको x बटे क्या बचेगा रूट अंडर वन माइनस x का स्क्वायर, और नीचे में भी बचा है क्या बचा है वन माइनस x स्क्वायर, ऐसे करके बचा है। अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई बार डी एक्स का स्क्वायर, जरा सोचिए इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो पल इसको पलटना है तो एक्स बार रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा वन बार, नहीं कुछ तो इसके बटे वन है तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बार डी एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ना, अब x के जगह पर क्या रखना है cos y रखना है, मान आया था तभी तो cos y हो जाएगा बट रूट अंडर वन माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन बाय वन माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए cos y नीचे में आपको ये जो रूट अंडर वन माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ये sin थीटा के बराबर होता है, साइन वाई हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा वन बाय वन माइनस रूट अंडर कोस स्क्वायर, क्या होता है तो साइन का स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, अब कोस बाय साइन होता है कोट तो कोट हो जाएगा, ये वन बाय साइन स्क्वायर किसका होता है तो कोसेक स्क्वायर का, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को ध्यान से देखिए। अब देखिए माइनस मिस्टेक हो गया, यहां देखिए ये माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अब देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन ये भी माइनस पीछे से तो ये हो जाएगा तो माइनस एक्स होगा, समझ रहे यहाँ पर माइनस एक्स होगा, अब देखिए यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस पूरा होगा ना, अब यहाँ भी माइनस होगा, यही आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे तरीका से लिखिएगा।